हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेब फिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लारावेल टेलीस्कोप के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर टेलीस्कोप का मतलब ये है कि लारावेल में टेलीस्कोप करके एक पैकेज आता है। दोस्तों, लारावेल की ओर से टेलीस्कोप का यूज़ एज अ डीबगर असिस्टेंट जैसा यहाँ पर दोस्तों पूरा सेटअप है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लारावेल की वेबसाइट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीस्कोप, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। देखिए, ये जो है लारावेल टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे लारावेल टेलीस्कोप, तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है आपका एरर का वो सॉल्व करने का पूरा जो है यहाँ पे पूरा देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आपका लॉग एंट्री हुआ है, कितना एक्सेप्शन जो है, डेटाबेस क्वेरी कितनी रन हुई है, क्यू कितना है, जॉब कितना है, मेल कितना है, नोटिफिकेशन कैच, ऑपरेशन शेड्यूल, टास्क, वेरिएबल डम्स और मोर। काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर लारावेल टेलीस्कोप में दी जाती है। तो दोस्तों, ये जो है मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मतलब दोस्तों, यहाँ पे अब पूरा जो है सेटअप करके फिर लारावेल के प्रोजेक्ट में रन करके जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, और दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो यहाँ पर दोस्तों लारावेल टेलीस्कोप जो है वो एज अ डीबगर असिस्टेंट यहाँ पर काम करेगा। दोस्तों, यहाँ पर छोटी सी छोटी क्वेरी अगर आप लारावेल में पेज भी रिफ्रेश करते हो, ठीक है, तो वो भी दोस्तों यहाँ पे डीबग करके यहाँ पे उसका लॉग जो है दोस्तों यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एज अ डीबगर दोस्तों यहाँ पे लारावेल टेलीस्कोप जो है यूज़ होता है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन पूरा कैसे काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लारावेल फ्रेश क्लोन करना है। तो यहाँ पर मैं लारावेल फ्रेश क्लोन कर देता हूँ और इसके अंदर जो है मैं आपको पूरा डाल के दिखाता हूँ कि टेलीस्कोप जो है दोस्तों यहाँ पर काम कैसे करता है। फ्रेश क्लोन दोस्तों यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लोन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश क्लोन, और दोस्तों ये जो है यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने क्लोन किया, और क्लोन होते ही दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट ये जो है हम रन करेंगे। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे एक जो है पैकेज टेलीस्कोप का यहाँ पे इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और पूरा सेटअप जो है यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों सारा पैकेज लोड हो रहा है और लाइब्रेरी सब कुछ इंस्टॉल हो रहा है, नया जो हमने क्लोन बनाया है सर्वर से पूरा दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे रन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए CD एग्जाम्पल ऐप का फोल्डर, उसके अंदर PHP आर्टिजन सर्व करके कमांड है, वो हम रन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है लारावेल लोकल होस्ट कॉलन 8000 पोर्ट पे हमारा प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे रन हुआ है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ये पैकेज वगैरह यहाँ पे आपको डालना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों टेलीस्कोप के अंदर वापस गए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारा कुछ दे रहा है कि इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पे जो तरीका है दोस्तों, यहाँ पे पैकेज जो है वो सारा इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है लोकल ओनली इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे दोस्तों डेव करके जो उसका पैकेज है वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा टर्मिनल, हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट रन किया था उसके अंदर ये जो चीज़ है यहाँ पर अपना पैकेज यहाँ पर एक बार डाल देते हैं। कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल टेलीस्कोप -- डेव, तो ये पैकेज दोस्तों यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माइग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। और दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट जो है सबलाइम के अंदर ओपन कर लेता हूँ मैं, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट और एग्जाम्पल ऐप, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है दोस्तों यहाँ पर, और ये पैकेज यहाँ पर दोस्तों इंस्टॉल हो चुका है। डेटाबेस का नेम दोस्तों यहाँ पर टेलीस्कोप करके मैं दे देता हूँ। सेव किया सिंपली, और दोस्तों यहाँ पे नया डेटाबेस बना देता हूँ लोकल स्पेस माय एडमिन टेलीस्कोप नया डेटाबेस। और दोस्तों यहाँ पे जो है एक बार माइग्रेट करना है।
पहले ए, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीएसपी आर्टिजन माइग्रेट, देखिए कुछ ऐसे दोस्तों यहाँ पे जनरेट होगा। टेलीस्कोप की एंट्री दोस्तों यहाँ पे गिरेगी, तो वो सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे माइग्रेट होके आ चुका है। आप देख सकते हैं टेलीस्कोप और टेलीस्कोप की एंट्रीज टैग सारे कुछ दोस्तों यहाँ पे एंट्री होगी। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे एंट्री होगी, और इसको मैं रन करके आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाता हूँ। सिंपली इसको रन करने के लिए हमारे पास कमांड है दोस्तों यहाँ पे, ये हुआ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा टेलीस्कोप स्लैश टेलीस्कोप यहाँ पे दोस्तों उसका डिफ़ॉल्ट राउट है, तो वो हम यहाँ पे रन करेंगे स्लैश टेलीस्कोप। कुछ ऐसे दोस्तों यहाँ पे शायद हमारा ओके पीएचपी आर्टिजन सर्व, हमने जो प्रोजेक्ट सर्वर है दोस्तों यहाँ पे स्टॉप किया है। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों टेलीस्कोप के अंदर आपको सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है कि आपने कहाँ से ओपन किया, माइग्रेट का कमांड चलाया, वो भी दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। जॉब कौन से रिक्वेस्ट की दोस्तों यहाँ पे, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे होम पेज ओपन करता हूँ सिंपली, देखिए टेलीस्कोप इंस्टॉल करने के बाद तो ये भी रिक्वेस्ट दोस्तों यहाँ पे आ गई। देखिए कि 1 सेकंड पहले उसमें क्या क्या हुआ, तो गेट मेथड, होस्ट नेम, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेमोरी यूसेज, आईपी एड्रेस और हेडर, सेशन, रिस्पॉन्स, तो सारा कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है। कौन सी फाइल यूज हुई है वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने कमांड यूज़ किया पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट, तो उसके अंदर क्या क्या हुआ वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए इतने सारे टेबल जो है दोस्तों यहाँ पे माइग्रेट हुए, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये टेलीस्कोप का जो पैकेज है दोस्तों आपको एज अ बेस्ट डिबगर के रूप में आपको यहाँ पे काम करने का मौका जो है, आप इजीली दोस्तों आप एरर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका कहीं ना कहीं एरर वगैरह सब कुछ कम कर देगा, लॉग्स, मेल, आपको सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एग्जांपल के लिए दोस्तों यहाँ पे लारावेल डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। देखिए ये जो है ऑथेंटिकेशन लारावेल का डिफॉल्ट जो आता है वो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सिंपली ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये पैकेज हमको डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये वाला कमांड ये भी यहाँ पे माइग्रेट करना पड़ेगा, फायर करना पड़ेगा। ये वाला कमांड दोस्तों यहाँ पे फायर किया। उसके बाद npm इंस्टॉल, यहाँ पे दोस्तों npm जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, तो पहले इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे npm रन dev कमांड जो है वो यहाँ पे चलाना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे रन करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो है सारा कुछ यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा जो टेलीस्कोप डीबगर है उसके अंदर कैसे हम हमारा डेटा वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है, सारा कुछ आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे npm इंस्टॉल ऑलमोस्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे npm रन dev, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वापस एक बार npm रन dev कर देंगे, तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का जो डिफॉल्ट मेथड है, डिफ़ॉल्ट फॉर्म है रजिस्टर और लॉगिन का लारावेल का, वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए npm रन dev वापस करता हूँ।
ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे npm run dev जो हमने किया वो यहाँ पे हो गया है। फिर से दोस्तों यहाँ पे php artisan serve का कमांड और यहाँ पे दोस्तों अपना जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे रन हो चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ रजिस्टर करके। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों कुछ रजिस्टर करने के लिए अगर मैं ये यूज़र रजिस्टर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पासवर्ड 129 डाल रहा हूँ, ठीक है, और ये हुआ रजिस्टर किया। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए कि हमारी रिक्वेस्ट दोस्तों यहाँ पे होम रजिस्टर दोनों रिक्वेस्ट यहाँ पे फायर हुई है, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ फिर बाद में उसको लॉगिन करता हूँ तो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लॉगिन किया वापस और लॉगिन किया दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों ये जो है यूज़र लॉगिन हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपको सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए तो ये है दोस्तों पूरा लॉगिन हमने रजिस्टर किया दोस्तों, तो ये उसका पूरा डिटेल, कौन सा हेडर यूज़ किया, कौन सा रिस्पॉन्स आया, तो सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, कौन सा रिक्वेस्ट था अंदर हेडर के अंदर क्या था, सारा कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखें कि लॉगिन मेथड हमने कॉल किया तो लॉगिन मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल पासवर्ड सब कुछ दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कौन से ब्राउज़र से लॉगिन हुआ है सारा कुछ। तो ये है दोस्तों उसका डीबगर लारावेल टेलीस्कोप दोस्तों यहाँ पे जिसे बोलते हैं, उसमें दोस्तों यहाँ पे कौन सी क्वेरी फायर हुई है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मॉडल कौन सा यूज़ हुआ है, कैच में क्या है, तो सारा कुछ दोस्तों आपको ये जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑथेंटिकेटेड यूज़र नेम उसका क्या है, तो ये है पूरा टेलीस्कोप का ये ओवरव्यू दोस्तों, जिसे डीबगर लॉगर कहते हैं जैसे हम। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में दोस्तों आपको दिखाई देगा कि कौन सा मेथड फायर हुआ है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, कौन सा मिडलवेयर यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको कौन सा कंट्रोलर यूज़ हुआ है, कौन सा उसके बाद का मेथड यूज़ हुआ है, राउट कौन सा यूज़ है, ड्यूरेशन क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, मेमोरी यूसेज क्या है, तो सारा कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन से हमने कमांड चलाए तो वो भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद शेड्यूल, अगर आप क्रॉन जॉब चलाते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल, आप अगर जॉब चलाते हो दोस्तों यहाँ पे तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बैच चलाते हो तो वो भी, कैच डंप किया दोस्तों यहाँ पे अगर आपने तो डंप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए व्यू रिक्वेस्ट सारा कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डंप, फिर इवेंट अगर बनाते हो तो इवेंट, एक्सेप्शन दोस्तों यहाँ पे गेट्स, HTTP क्लाइंट अगर API चलाते हो तो दोस्तों यहाँ पे HTTP क्लाइंट, लॉग्स, मेल अगर आप यूज़ करते हो, मेलेबल फंक्शंस, कौन सा दोस्तों यहाँ पे मॉडल यूज़ हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यूज़र क्रिएट करने के लिए ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो है डेटा रिट्राइव करने के लिए ए मेथड जो है दोस्तों यहाँ पे हमने मॉडल यहाँ पे यूज़ किया, तो वो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको दिखाई देगा। क्वेरीज़ के अंदर दोस्तों यहाँ पे कौन सी क्वेरी चली है आपकी, आपने जो ये एक्शन किया लॉगिन लॉग आउट सारा कुछ, तो यहाँ पे कौन सा एक्शन चला है, क्वेरीज़ ड्यूरेशन, उसका टाइमिंग क्या है दोस्तों, क्वेरी कौन सी बनी है, तो ये सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमने रजिस्टर किया था रिकॉर्ड, ठीक है। जब भी हमने रजिस्टर किया तो ये जो है यहाँ पे दोस्तों एक क्वेरी यहाँ पे चली है, तो ये पूरा दोस्तों यहाँ पे क्वेरीज़ कैसे काम करती है वो यहाँ पे है। अगर रेडिस का यूज़ करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। व्यू, तो सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे व्यू भी आपको जो अलग अलग पेज ओपन हो रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों पूरा लारावेल टेलीस्कोप, और दोस्तों एज अ डीब अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको लारावेल की ओर से ये प्रोवाइड लारावेल वाले प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया पैकेज है, मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रहा हूँ लारावेल टेलीस्कोप, तो ये बहुत ही बढ़िया पैकेज है दोस्तों, आप भी कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर सकते हैं और अपना जो कोई भी एरर डिबग करके आप कहीं से भी इश्यू जो है आपका अगर माइनर भी इश्यू रहता है तो आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इसके ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो ये था दोस्तों यहाँ पे पूरा लारावेल का जो पूरा अपना मैंने आपको दिखाया कि उसका डिबगर कैसे काम करता है, तो ये था दोस्तों पूरा उसका लारावेल टेलीस्कोप का डिबगर। तो आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं और लारावेल टेलीस्कोप
जैसे मैंने आपको यहाँ पे वन बाय वन रन करके दिखाया कि इसका कैसे एंट्री होता है, तो वैसा भी आप यहाँ पे अपने सिस्टम में कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों लारावेल टेलीस्कोप। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। और दोस्तों किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।